नमस्कार भाई और बहनों वेलकम टू द हिंदू प्लेज और आज की इस वीडियो में आज मैं करने जा रहा हूँ एक चैलेंज माइनक्राफ्ट चैलेंज इसका नाम है नो मॉप किलिंग चैलेंज मतलब मैं कोई मॉब को किल नहीं कर सकता चाहे वो जोबी हो काव भैंस बकरिया जो भी हो उनको कॉल नहीं कर सकता ऐसा हम क्यों किल करते हैं रिसोर्सेज और, है। और हमको सान में ही दिख जाता है एक बहुत बड़ा विलेज और उसमें हमको क्या करना चाहिए पहले अरे बहुत बड़ा गड्ढा है रे बाबा तो मैं यहाँ पर पटाख से यहाँ पर झट से मैं स्प्रिंट कर रहा था बिना किसी तरीके वैसे मैं कैमरा कॉमेंट्री कर रहा हूँ तो न, आप लोग देख सकते हो और पहले ही मुझे यहाँ पर और मुझे दिख जाता है कुछ ऐसा जो मुझे नहीं दिखना चाहिए भाई जो मुझे दिखाई है वुडलैंड मैंशन भाई डार्क होगा भाई वुड मैंशन पास में विलेज और उसके अंदर यवो कर जिससे मुझे मिल सकता है टोटम और उस टोटम से भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मतलब अपने अमर ही हो सकता और जब और हाँ क्योंकि मैं मॉब्स को नहीं मार सकता तो मुझे शोट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं मॉब्स को यहाँ पर वुड काटने के बाद मुझे मिला मुझे मैम मिल लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल वही ज़रूरी सूचना क्राफ्टिंग टेबल पिक्स एक्स वैसे एक्स मैं सिर्फ वुड काटने के लिए लूँगा क्योंकि मैं उससे मार नहीं सकता पिकैक्स तो ज़रूरी है और मैं क्राफ्टिंग टेबल हाथ से तोड़ रहा हूँ शाबाश तो यहाँ काफ्टिंग टेबल टूटने के बाद मैं यहाँ पर वापस विलेजर को थोड़ा लूटने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे और यहाँ पर मुझे मिल जाता है ये ये भाई ये ब्लैक स्मेथ का घर जिसमें मुझे शायद कुछ अच्छा लूट मिल सकता है और मुझे मिला भी दो आयरन दो ब्रेड क्योंकि अब मुझे वेजिटेरियन बनना पड़ेगा क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल मिलता है अभी ये सब पहन लेते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे पहले मस्ट और मैं यहाँ पर मुझे दिख जाता है आयरन और हम उसे लूट लेते हैं बिना बड़े प्रेम से सबसे पहले स्टोन कड्डा करते क्योंकि वुड के पिक्स तो ये टूटने नहीं वाला टूटेगा भी तब भी हाथ में नहीं आने वाला आई नो तुम क्या समझ रहे हो तो मैं पागल की तला इधर उधर स्टोन गड्ढा कर रहा था क्राफ्टिंग टेबल वो स्टोन गड्ढा करते करते मेरा हाथ छिल गए लेकिन कोई नहीं स्टोन जितना थर्टीन या फोर्टीन स्टोन फिर मैंने क्या क्या क्राफ्टिंग टेबल लगाया फिर थोड़ा सा स्टोन का पिक्स बनाया और इस आयरन को अपना बनाया ओ भाई दो आयरन है कोई नहीं चल जाएगा दो आयरन है मतलब चार आयरन हमारे पास हो चुके हैं जिससे एक और मैं वापस से ये बाइक जो पीका वो कपिंग टेबल है वो मैं फिर से हाथ से तोड़ रहा था क्या कर रहा है हिंदू और इधर से हम ये पूरा झाड़ सब कुछ साफ करेंगे क्योंकि हमें पूरा बनना है वेजिटेरियन और आलू आलू इज़ वेरी हम इसको पका के खाएंगे व्हीट तो ठीक है ब्रेड बन जाएगा कोई चिंता नहीं है और हमारा आयरन गोलम भी इधर है वैसे वैसे जो ये आयरन गोलम जो यहाँ है तो इससे मैं कुछ फायदा कर सकता हूँ क्योंकि इसको मैं शायद ले सकता हूँ वुड लैंड मैंशन के अंदर क्योंकि मैम आपको नहीं मार सकता लेकिन ये तो मार सकता है पॉइंट यहीं सेट कर देते हैं क्योंकि अगर मरम्मी आ गए तो अरे अरे वायरन आयरन अरे, अरे 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 क्या बात है क्या बात है आयरन 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 और हमारे पास आता है कि जॉम्बी भिखारी भगचंद आ जा आ जा भाई आ जा गया ये वैसे वैसे तो मैं जॉम्बी को नहीं मार सकता क्योंकि वह एज़ पर द चैलेंज तो मैं इससे तो मार तो मैं मरूंगा तो नहीं तो इससे मैं थोड़ा दूरी जा रहा हूँ क्योंकि या स्प्रिंटिंग तो करना बेहतर है और ये सुबह तो हो रहा है इसलिए वो ये आ तो नहीं सकता या मर गया या फिर ज़िंदा भी है मर गया तो तो इसके बाद अब मैं जाता हूँ मेरे घर की तरफ ताकि मैं आप तो बना क्राफ्टिंग टेबल फिर लगाया मैंने अपना फर्नेस जिसमें मैंने लगाया अपना रॉ आयरन और अपना वुड जो पकने के बाद मुझे और ही हमारा आयरन दादा गोलम देखो गोलम भी मुझसे प्यार करता है गाइस <laughs> आप लोग प्यार नहीं करते मुझे मुझे देखने के लिए आएगा मैं सही हूँ कि नहीं हूँ आप लोग प्यार करो मैं वही बना रहा हूँ लेकिन आप लोग प्यार करो प्यार करो मुझे मुझे एक लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो इतना पकड़ ही सकते हो <laughs> तो इतना ही पकने के बाद मैं चला थोड़ा गेरिया मारने और गेरिया मारते मारते ही मुझे मिला एक फार्मर जिससे मैंने कुछ ट्रेड्स किए ट्रेड्स बिजनेस बीटूट के बदले एमरल एमरल के बदले ब्रेड दिस इज बिजनेस उनका ही एमरल उनको ही बेचा दिस इज़ बिजनेस बॉय और अभी हम रात हो रहा है अभी सोने जाओ यार रात को काम नहीं करेंगे रात को मोबाइल वैसे भी क्या है मेरे पास शील बिल कुछ नहीं है तो दरगेरियाँ मारते मारते ही मुझे मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा नहीं नहीं कुछ नहीं मिला मुझे मुझे मिला कैसे वैसे हाँ तभी मैं मैं आयरन पकने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा और बीट रूट तोड़ता हूँ क्योंकि बीट रूट में मज़ा आता है तो मेरा प्लान था कि मैं बीट रूट को बेचूँगा विलेजर्स को और विलेजर्स एमरेल लूँगा और उनको ही एम्बरेल से मैं ब्रेड खरीदूँगा बॉय माली माल होने वाला है और इस फार्मर को मैंने पकड़ा ताकि ये मैं इससे थोड़ा बीट रूट बेच पाऊँ ले भाई ले बरसों पुराना देखो तीन बार ही बेच है फिर इसका ना स्टॉक खत्म बस ट्वेंटी वन आवर ये क्या बेच रहा है तो ये गाजर के बेच रहा गाजर को इग्नोर करते हुए हम मैं चला गया अपना आयरन को देखने के लिए कि मेरा आयरन और मैं वुड को लेकर क्योंकि अब मुझे बनाना है एक शील प्रोटेक्शन के लिए एज यूजल प्रोटेक्शन अगर स्क्रीन मार गया तो क्या ही फर मार डेगा तो मैं नहीं भाग सकता तो ये तो मैं बनाता हूँ अपना आयरन मेरा पक चुका है एट आयरन नो आयरन स्पेसिकली तो हम बनाते हैं अपना पैंट और इसको पहन लो फिर बनाते हैं अपना वो जूते लेकिन जूते बनाने के लिए हमें और ज़्यादा आयरन चाहिए तो पहले बनाते हैं थोड़ा सा स्टिक्स शायद हाँ स्टिक्स और हम मुझे बनाना है एक्स तो एक्स के लिए मुझे और आयरन ढूंढना पड़ेगा और आयरन तो ढूंढने के लिए मुझे केब में जाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेरिया मारता हूँ क्योंकि अगर मुझे कुछ आयरन वायरन मिल जाए किसको क्या पता <laughs> तो अभी यहाँ पर देखता हूँ कि भाई पूरा अपार्टमेंट भरा पड़ा है इधर पूरा अपार्टमेंट सीट किया आया और नीचे मुझे दिख रहा है एक एमरल और मेरे बगल में ही पड़ा है आयरन बेबी आयरन जिंदगी में दो चीज़ को ना नहीं कहते हम एक तो डायमंड दूसरा आयरन गोल्ड को ना कटेते हैं वैसे भी चौबीस कैरेट का क्या ही फर्क पड़ता है तो इसको थोड़ा सा आ, इसको मैं थोड़ा सा भी रिजर्व करके वो यहाँ पर जाता हूँ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस तो इधर मैं आयरन देखता हूँ पता ही नहीं कितना आयरन मिलेगा ओ भाई ओ भाई लालच लालच आ रहा है मुझे भगवान तुमने इतना आयरन क्यों दिया आयरन आप बन जाएगा भाई तुम्हारा भाई का सब कुछ बन जाएगा पूरा आप पूरा चेस्ट पेट मसल सब कुछ बन जाएगा चलो अब यहाँ से मैं थोड़ा भागने की प्रस्थान करता हूँ इधर से क्योंकि अब मुझे यहाँ पर आम पकाना है अपने आयरन को तो प्रस्थान करने के बाद मैं यहाँ पर यहाँ पर आयरन को दस पेड़ रखाया हूँ और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वुड लैंड थोड़ा सा गेड़िया मारता हूँ ताकि हम डरों में डरों में हम वुड लैंड में भी जाएंगे लेकिन हमारे आयरन गोलम वो देख रहे हो <laughs> वो भी वहाँ पर ही जा रहा है तो हम आयरन गोलम को लेके ही जाएंगे क्योंकि वही हमारा प्रोटेक्शन बॉडी गार्ड एज़ यूजल तो इधर हम बहुत सारा फिट है लूटो लूटो बे लूटो तो अब यहाँ पर मैं आराम से लूट रहा था क्योंकि विलेजर अपना ही अपना ही तो विलेज है लूटने से क्या जाता है जिससे मुझे आराम से ब्रेड मिल जाएगा क्योंकि ब्रेड ही मैं लौता जोर से मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ इधर इस चैलेंज के कारण तो वही मेरा लौता सोच और ये देखो स्कैमर साला स्कैमर तो अभी यहाँ पर मेरा आयरन पक चुका है और इससे मैं बना सकता हूँ अपने लिए थोड़ा सा बू वाटर बकेट क्लच मारने के लिए फिर अपना हेलमेट और बचा हिस्से लेगिनस और वो शायद मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा कोई टेंशन नहीं है तो इधर मैं बनाता हूँ अपने लिए बहुत सारा व्हीट और व्हीट से मैं बनाता हूँ बहुत सारा ब्रेड बेबी तो अभी अब सिक्सटी थ्री ब्रेड हो चुके हैं तो मैं ना काफ़ी हंगर हंगरबार भी खाने का कोई चिंता नहीं तो अभी यहाँ पर मेरा आयरन एक बार पक रहा है पक जा तो या ये आयरन भी पक गया है और अभी यहाँ पर हम लोग बना मम्मी बनाने वाले हैं एक आयरन का बूट्स या तो बूट्स और हम हो चुके हैं फुल्ली आर्मर यह या। या। खाना अरे।, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब मैं पोटेटो की खा रहा हूँ जबकि मैं ब्रेड खा सकता हूँ अरे ब्रेड खा रही अरे रुक ये रहा मैंने ब्रेड खा लिया तो अगर वीडियो अगर कभी भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना और मैं अभी भी साला मैं भाई पी से क्यों तो दौड़ रहा हूँ भाई तो अभी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा बकेट से मैं पानी लेता हूँ और अभी यहाँ पर नीचे अब देखो मेरा हाँ क्लच था भी दिया <ख़़ग्णास> और ये क्लच बिल्कुल भी बेकार नहीं था वो अरे नहीं ओ वाह पूरा पलटन भरा पड़ा है पूरा पलटन अब इसको मैं इनको मार तो नहीं सकता लेकिन मैं इसको लूप में फंसा सकता हूँ अरे मेरे पास चार हर्ट है भाई भाग 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 स्केलेटन का एक बार से भाई खाना बहुत है वैसे भागे का तो भाई ये लोग मर क्यों नहीं जाते यार मरो 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 हाँ मरा मरा जल के मरो अब मैं इसको एमरल से मैं आराम से इसको मैं एमरेल खाते खाते पहले हेल्थ रिस्टोर करो थोड़ा सा तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा एमरल इसको खोदता हूँ ताकि मुझे एमरल मिले मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ अरे मैं क्यों रहा है मिसल अरे छोड़ो कोई बात नहीं तो इधर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक मकर मानव मिल चुकी है ऊपर चलो यार ऊपर चलो अरे यहाँ से तो वुडलैंड ये डार्क और बाय भाई अब मकड़ी ना आ जाए पीछे पीछे वैसे उसको मैं मार नहीं सकता वैसे वो आ रही है क्या नहीं आ रही है अरे आ रही है भाई आर्यन गोलम आर एन गोलम कहाँ हो तुम वैसे भी ये नहीं आ रही है छोड़ो यार डरते नहीं है वो चला जाएगा कोई चिंता नहीं है तो इधर हम आने के बाद हमको यहाँ पर दिन होने के बाद हम यहाँ पर वापस से जाने वाले हैं अब वुडलैंड मैंशन की तरफ वैसे जाने का अरदा तो हाँ, लेकिन अभी थोड़ा आयरन पका पक गया है तो आयरन को थोड़ा ले लेते हैं और थोड़ा सा और अपने लिए थोड़ा और एक्स बना लेते हैं और एक पिक एक्स ताकि कोई अच्छा कुछ मिल जाए तो ठीक है अब एक्स है तो रहा ना तो अभी हम जा रहे हैं वुडलैंड मेंशन की तरफ और हमें देखना है वहाँ पर बड़ा इंडिकेटर इवोकर और बहुत सारे मॉब्स या फिर ये चांस भी हो सकता है कि वहाँ पर हमको एली मिल जाए लेकिन वो अगर बड़ा बहुत कम चांस है तो अभी यहाँ पर वुडलैंड मेंशन के जाते हैं लेकिन मैं ऐसे नहीं जाने वाला क्योंकि वो लोग मुझे कच्चा छबा जाएंगे तो मैं यहाँ पर आराम से खिड़की में बैठ कर दिखूँगा कि कोई आ तो नहीं रहा है तो यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर मुझे एक मकड़ी मिल गई आर एन गुलर आयरन गोलम बचाओ 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 आयरन गोलम Yeah, 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 लेके तो ले जाऊँ तो मैं यहाँ पर बैड लगाना चाहता था क्योंकि मैं भी हो और येटर ये आ गया मेरे दो दो इंडिकेटर मेरे पीछे पीछे अरे नहीं एक से घंटे डेमेज बहुत डेमेज था आयरन गोलम आयन गोलम कहाँ हो तुम तो? आयन गोलम वेर इज माई आयन गोलम ये आयरन गोलम मारो दो दो इंटिकेटर है मारो इस मारो मारो इसको अरे अरे मारो इसको ये बॉय अरे कितना डैमेज खा गया भाई मैं इसको इसके लिए थोड़ा सा आयरन लेके आता हूँ ताकि ये थोड़ा रिपेयर हो जाए और मेरा भी काम बन जाए तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आयरन लेकर आता हूँ ऐसे आयरन खो सकता और What the... What? उन लोगों ने शिट उन लोगों ने आयन गोलम को मार दिया भाई लिटरेली उन लोगों ने आयन गुलम को मार दिया भाई मेरी आंखों के सामने शिट। अरे वही तो मेरा एक बॉडी था उन लोगों ने ऐसा कैसे मार दिया नहीं यार अरे यार ये वेंटिगेटर ये आयन गुलाम को मार दिया अब मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर वुडलैंड मैंशन में नहीं नहीं शायद वहाँ कुछ होगा भाई कुछ तो होगा भाई कुछ तो होगा आयरन गुलाम का वहाँ पर नहीं मर सकता भाई इतना नजदीक वो आयरन गुलाम ही तो मेरा सब कुछ था उससे तो मैं बॉडी गार्ड में पड़ सकता था रुको नहीं है भाई वो यहाँ पर था यार उन लोगों ने उनको मार आयरन गुलाम को मार दिया वो डैमेज था लेकिन वो मार दिया अब बहुत डैमेज देते यार अब अब बदला लूंगा मैं अब देखो गाइस इसमें क्या करता हूं इस वुडलैंड मैंशन